किस्मत के टोल प्लाजा पर। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन काफी समय से प्रगति पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो नया मुद्दा है किसानों के द्वारा दिखाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो देश में महंगाई है वो काफी समय से प्रगति पर चल रही है, दिन प्रतिदिन जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी के चलते यहाँ पर आज टोल प्लाजा पर एक और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ पर जो किसान यूनियन के जो सदस्य हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो लोगों के लिए जो भले के कार्य करने की बजाय जो सरकार है वो चीजों के दाम बढ़ाए जा रही है। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या धरना प्रदर्शन किस कारणों से इन्होंने किया है और क्या 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 आगे इनके जो धरना प्रदर्शन में होने वाला है, तो आइए देखते हैं। और सर, जिस हिसाब से कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इसके पीछे क्या कारण मानते हो कि किस हिसाब से बढ़ रहे हैं? सरकार देश को नहीं चला रही, कंपनी चला रही है, अडानी अंबानी कंपनी, उन्होंने क्या मतलब इन चीजों से? मरे आम आदमी मर रहे हैं, गरीब आदमी मर रहे हैं। तो सर, जिस हिसाब से जो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां जो चला रही हैं, लेकिन फिर आप सरकार को इसमें किस रुख से देखते हैं, क्या राय है आपकी? अब आपने देखा कल मंत्रिमंडल बदला गया, उससे जो मंत्रिमंडल बदले गए, आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़े स्कूलों में, पता होता था कौन शिक्षा मंत्री है कौन कृषि मंत्री है। आज एक का नाम बता दो आप, मान जाऊंगा आप टीवी भी चलाते हो, आप पत्रकार भी हो, एक नाम याद रहेगा, मोदी, शाह, अडानी, अंबानी, तीसरा आता ही नहीं कोई। आम आदमी पांच जो मंत्री बनाए गए हैं ना, तो उन लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा ना राज्यसभा का, वह व्यक्ति रिटायरमेंट हुए हैं। ऐसे लोगों को जो जनता ने चुन रखे उन लोगों को मंत्री बनाना चाहे। तो जैसे कि अभी कैबिनेट के विस्तार में बात चल रही थी कि जो भी मंत्री हैं उनके पास अगर एक से अधिक पद है तो उन्हें भी हटा दिया जाएगा, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कई मंत्री अगर दो दो पद दे दिए, हरियाणा में कट कर दिया। नहीं, अभी बोला जा रहा है कि जो जिनके पास एक से अधिक पद है उन्हें हटा दिया जाएगा उनके पदों से। दो 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 पद दिए गए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही, ये सिर्फ दो व्यक्तियों की सरकार है, अडानी अंबानी की। तो फिर मोदी सरकार क्या कर रही है अगर सरकार अडानी अंबानी की है तो? हैं, मोदी सरकार क्या है? कठपुतली का काम कर रहे हैं मोदी सरकार, तो मोदी सरकार अडानी अंबानी कठपुतली का काम कर रहे हैं। और जब भी किसी सरकार ने किसानों और मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की है, दोबारा उस सरकार को आने नहीं दिया गया है। किसान मजदूर एकता तब भी एकता करता है, तो उस सरकार वो सरकार दोबारा नहीं आई है। बहुत से उदाहरण पहले भी हैं, चौटाला साहब ने ऐसा किया, बहुत से उदाहरण है, कांग्रेस ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, अत्याचार करने की कोशिश की, तो दोबारा कांग्रेस ने मुंह नहीं देखा। तो आगे से 2024 में मोदी को भी कुर्सी पे आने का कोई हक नहीं है, क्योंकि किसान मजदूर एकता एकजुट होकर महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में प्रदर्शन कर रही है, और ये आवाज़ हम संसद तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और होश क्या, तो हम 2024 में अपनी वोट से भी सरकार को ये चेता देंगे कि भी किसानों में एकता का कितना भाव है। और जैसे कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कितनी प्रभावित हो रही है आपकी जो दिनचर्या है? महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे किसान मजदूर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जब भी किसान की फसल आती है तभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देते हैं ये, उसे जब एक किसान मजदूर का कोई काम होता है तभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, अन्यथा कम हो जाते हैं। तो क्या किसान मजदूर पे ये देश, ये सरकार पूरा जोर शोर करना चाहती है कि ये अंडानी अंबानी पे इस बार कोई प्रकोप नहीं पड़ता? जो अंडानी अंबानी हैं ये अमित शाह और मोदी जी, ये उसकी कठपुतली है, सरकार वो चला रहे हैं, नाम इनका हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि 8-9 महीने हो गए किसान आंदोलन को, लेकिन अभी कहने की बात ये आ रही है कि सुनने में आ रहा है कि जो किसान आंदोलन एक दूसरी दिशा में चला गया है। कहीं दूसरी दिशा में किसान आंदोलन नहीं गया, किसान आंदोलन अपनी जगह पर टिका हुआ सीतर है, और जब तक 3 काले कानून वापिस नहीं होंगे तब तक हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, और 3 काले कानून वापिस करवा के हम दिल्ली से उठेंगे, यही हमारा असली और अच्छा निर्णय। और जैसे कि आप जानते हैं कि 11 से 12 जो बैठकें हो चुकी हैं, इतनी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई भी नतीजा जो है देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? क्या जी? जो बैठकें हो चुकी हैं, बैठकें जो हुई हैं, सरकार करना चाहती है, सरकार समझौता करना चाहती है, और हम काले कानूनों को बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं, इस वजह से हमारा समझौता सफल नहीं हो पा रहा। काले कानून रद्द होंगे तो किसान वापिस जाएगा, अन्यथा यही रहेगा। और फिर आगे की आपकी क्या रणनीति है? आप आगे की रणनीति 2024 में हम अपनी वोट की चोट से किसान सरकार को जता देंगे कि किसान
एक दृढ़ निश्चय के साथ किसान के बगैर सरकार कोई नहीं बनती।